सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होगे, खुश होगे और बहुत ही मजे में होगे। तो चलिए आज हम मिलते एक नए व्लॉग के साथ। तो अभी मैं पार्क में बैठी हूँ और नक्श वहाँ पे खेल रहा है अच्छे से, उसको एक नया फ्रेंड मिल गया उसके साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, बेबी भी एंजॉय कर रहा है और मैं अभी यहाँ पे बना रही हूँ अपना व्लॉग। तो चलिए, मैं आज आप लोगों के साथ कुछ नई बात शेयर करने वाली हूँ, वो है कि रियलिटी ऑफ लिविंग इन यूएसए और क्या सच्चाई है यूएसए की, वो सब सब बातें हैं। तो मैं वो उस बारे में आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। जो भी यहाँ की रियलिटी है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, रेडी हो जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा आप लोगों को डीमोटिवेट करने का कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन जो यहाँ की जो बात है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बस वही है मेरा मकसद। क्योंकि आप लोग भी कभी ना कभी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए या फिर जाने वाले हो गए, तो आप लोगों के लिए भी ये बात ज़रूरी होगी, ताकि फिर आप लोगों को फिर जाके यही प्रॉब्लम आप लोगों के सामने भी आएगा। तब आप लोग प्रिपेयर होने चाहिए अच्छी तरीके से, ताकि आप लोग भी दूसरी जगह पे अच्छे से शिफ्ट हो जाए और आपकी लाइफ भी बहुत ही अच्छी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज बात कर रही हूँ रियलिटी ऑफ लिविंग इन यूएसए, यानी कि हर एक कंट्री में ऐसा ही होता होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं रह रही हूँ, तो मेरे साथ भी जब मैं इंडिया से यूएसए में आई थी, तब मेरे साथ भी ये सारी बातें हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी रेडी हो जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगा वेदर, क्योंकि जो हमारा इंडिया का वेदर है बहुत ही नॉर्मल वेदर है। हर एक सीज़न में, जैसे कि मॉनसून है, समर है, सब सीज़न में अच्छा वेदर होता है, लेकिन यहाँ का जो वेदर है वो एक बहुत ही कूल। अभी समर है, फिर भी यहाँ पे ठंड होती है, लेकिन जब विंटर होता है ना, तब उसमें बहुत ही ज़्यादा कूल ठंड होता है, और कभी कभी तो आइस स्नोफॉल भी होता है, तो बहुत ही ज़्यादा कूलिंग होता है। उसके कारण यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि आपको वेदर का, क्योंकि जब आप एक नॉर्मल वेदर से कूलिंग यहाँ पे एकदम कूल वेदर में आप शिफ्ट हो रहे हो, तो आपको ठंड का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। फिर दूसरा होगा कि आपको लैंग्वेज का, क्योंकि आप हम जब इंडिया में होते हैं तो वहाँ पे गुजराती या फिर हिंदी में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप आते हो तो आपको प्रॉपर इंग्लिश में बात करनी है। फिर दूसरा ये कि आपको सामने जो सुनने वाला है उसको भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम जो इंडियंस है उसका भी टोन अलग होता है, और जो यहाँ के जो अमेरिकन लोग हैं उसका भी टोन अलग होता है, तो बात तो समझने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है, और आपको इंग्लिश ऐसा प्रॉपर बोलने में भी टाइम लगता है। क्योंकि जब हम वहाँ पे होते हैं तो सिर्फ इंग्लिश या ट्यूशन या स्कूल कॉलेज में ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम होते हैं तो यहाँ पे सब लोगों के साथ इंग्लिश में ही बात करना होता है, तो इंग्लिश ये लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। फिर दूसरा प्रॉब्लम होता है कि वर्क का, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उसको वर्क तो करना ही होता है, जो भी वर्क है, जैसे कि हाउस क्लीनिंग है या फिर दूसरे घर के काम है, या फिर जो भी आपका जो ऑफिस का जॉब का जो भी काम है वो आपको खुद को ही करना है, आप किसी और को नहीं दे सकते। जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ मैं अभी आपको, कि आपको घर क्लीनिंग करना है, तो इंडिया में अगर घर क्लीनिंग करना है तो आपको वहाँ पे बहुत सारे मेड मिल जाएंगे या फिर दूसरे लोग भी मिल जाएंगे जो आपको हेल्प कर सके, लेकिन यहाँ पर अगर आपको हाउस क्लीनिंग करना है तो खुद को ही करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई मेड नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको अगर चाहिए तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके बुला सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको वेटिंग मिलेगा, फिर जब वो उसको जब टाइम मिलेगा तब वो आएगा, और उसके भी चार्जेस लगते हैं, और वो जहाँ पे मेड मिलता है उसका चार्ज होता है आई थिंक पर घंटे का $300, यानी कि अगर हम इंडियन रुपीज़ में बताएं तो उसका चार्जेस होता है 25,000, तो इतना महंगा रहता है। इसलिए यहाँ पर लोग ज़्यादातर खुद ही काम करते हैं, जैसे कि पूरे वीक में तो उसको सिर्फ सैटरडे संडे ही मिलता है, तो जो पूरे वीक नहीं काम करते हैं क्योंकि जॉब भी देखना होता है, इसलिए वो लोग सिर्फ जॉब पे ध्यान फोकस करते हैं। फिर बाकी जो हॉलीडेज होता है, जैसे कि सैटरडे संडे होता है, तब सब लोग यहाँ पे घर का काम करते हैं, हाउस क्लीनिंग है, लॉन्ड्री है, फिर थोड़ा बहुत टाइम उसमें भी बच गया है, वो थे ग्रोसरी लेने के लिए जाना या फिर कपड़े की शॉपिंग करना, ये है वो सब, तो वो सब काम लोग यहाँ पे वीकेंड पे करते हैं। फिर दूसरा मैं अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि मेरे घर में कारपेट है, तो मुझे कारपेट क्लीनिंग के लिए मैंने एक अपॉइंटमेंट बुक किया था, तो उसके लिए मुझे सिर्फ लिविंग रूम का ही कारपेट क्लीन कराना था, उसके लिए मुझे कारपेट क्लीनिंग का रेट बोला था $75, सिर्फ लिविंग रूम का ही कारपेट क्लीन होगा, और उसके लिए मुझे भी आई थिंक 15-20 दिन का वेटिंग था
कारपेट क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पे सब जारी सारी चीज़ें होती है जिसके लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, फिर उसके लिए टाइम चाहिए। फिर दूसरा एक रहेगा प्रॉब्लम कि जब भी आप यहाँ पे बीमार हो गए तो आपको देखने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद को ही आपको देखना है। अगर यही चीज़ आपको इंडिया में होती है, जब आप इंडिया में अगर रह रहे हो और वहाँ पर बीमार पड़ गए तो वहाँ पर आपको केयर करने के लिए 10 लोग होते हैं, फिर आपको खाना बना के भी कोई और देगा और बहुत सारे लोग केयरिंग भी करते हैं, तो वो सब चीज़ें होती है। और यहाँ पे अगर आप बीमार हो गए तो आपकी केयर करने वाला कोई नहीं है, खुद को ही केयर करना है, खुद को ही दवाई लेनी है और खुद को ही खाना बना के खाना है बस, और घर के सारे काम भी करने हैं। तो ये एक रियलिटी है कि जब आप वहाँ पर रहते हो, 10 लोगों के बीच में रहते हो, तो आप बहुत कुछ मतलब फ़र्क होता है कि वहाँ पर रहते हो। और यहाँ पर 10 लोगों में से आपको सिर्फ 2 लोग ही एक दूसरे का देखने के लिए, और दूसरा बंदा है वो है अपने काम में बिजी है, तो खुद को ही सब कुछ करना पड़ता है। और तीसरा होता है सैलरी, और ये आपको पता है कि यूएस में कॉस्ट ऑफ लिविंग हर एक चीज़ हर एक जगह पर बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आपको वो सब सैलरी में से जो भी सैलरी आती है उसमें से आधा खर्चा तो आपका रेंट पर चला गया होगा। और दूसरा है कि अगर आप रेंट पे नहीं और खुद का घर है तो दूसरा आपका ईएमआई पे चला गया होगा, या कार है या फिर घर है उस सब में, और दूसरा फिर आधा बचा कटाकूट काट के आप घर पे भेज रहे होगे, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है जब यहाँ पे आप रहते हो, तो फैमिली को भी देना भी ज़रूरी है। फिर एक मोस्ट बड़ा प्रॉब्लम है जो है कि लोनलीनेस। हाँ, वो जब आप इंडिया में रहते हो तो एक ही फैमिली में बहुत ही सारे लोग रहते हो, और मेरी जो फैमिली है, जो मेरे खुद की फैमिली ससुराल की फैमिली, तो हम लोग वहाँ पे आई थिंक 30-32 लोग रहते एक ही फैमिली में। अब सोचो वहाँ से इतने सारे लोगों के छोड़ के अगर इधर हम आ गए तो हम सिर्फ 3 ही लोग हैं, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा बेबी। और मेरे हस्बैंड तो ऑलवेज अपने काम में बिजी रहते हैं, तो बच्चे कुछ मैं और नक्श, तो हम दोनों ही रहते हैं घर पर। तो इसलिए लोनलीनेस का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होता है आप जब यहाँ पे रहते हो तब, क्योंकि आसपास में कौन रह रहा है, आपकी कम्युनिटी कहाँ पे है, और फिर आपके आज नेबर्स कौन है, वो सब आप लोगों को नहीं पता है इधर। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जिससे आप घर के बाहर निकलते हो तो अपने फैमिली या फिर अपने रिलेटिव्स मिल जाएगी या फिर अपने नेबर्स मिल जाएंगे बात करने वाले, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। और वहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम शेयर करनी है तो आसानी से शेयर कर दिए, जैसे आप घर के बाहर निकले कोई भी बंदा मिल जाएगा, आप उसके साथ अच्छे से बात कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर ये आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी गुड न्यूज़ शेयर करनी है, फिर भी आप लोग आप किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे किसी को जानते ही नहीं हो। और ये सब चीज़ों में आपको बहुत ही टाइम लगेगा, जैसे जैसे आप यहाँ पे 1-2-3 महीने रुकेंगे यानी 6 महीने हो गए, उसके बाद आप जानने लगोगे कि आपके आसपास में आपके नेबर्स कौन है, कहाँ से रह रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन जब आप शुरू में यहाँ पे आए हो तो ये सब सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। तो मेरे साथ ये भी ये प्रॉब्लम हुआ था कि कोई भी बात करने वाला नहीं था, और मैं किसके साथ बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो बेबी है तो है, उस टाइम पे तो बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी मेरे लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो था मेरे साथ बात करने वाला। तो ये सब सारी चीज़ें होती है। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ ही रह रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है कि आप किसके साथ जाके बात करें, किसी के साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें या फिर गुड न्यूज़ शेयर करें, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। फिर दूसरा यही होता है कि वहाँ पे तो जैसे हम बाहर निकले तुरंत हमारे नेबर के साथ गप्पे लड़ाने लगते, ये है वो है जो भी है, खाना पीना सब कुछ। और यहाँ पे तो मुझे अभी भी नहीं पता है कि यहाँ पे मेरे पास में कौन, मेरा नेबर्स कौन है, कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि बात ही नहीं होती है, वो लोग कब बाहर निकलते होंगे कब नहीं, मुझे नहीं पता है। और जब भी मैं बाहर निकलती हूँ बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन वो होते हैं मेरे आसपास के लोग, वो कहाँ पे रहते हैं वो भी मुझे नहीं पता, सिर्फ हाँ हाय हेलो गुड मॉर्निंग, हाँ वो बात होती है कि यहाँ पे कोई भी बंदा है, कोई भी लड़का हो या लड़की हो कोई भी है, तो वो जब आपको सामने मिलेगा तो ज़रूर हाय हेलो गुड मॉर्निंग बोलेगा। तो वो एक अच्छी बात है कि यहाँ पे लोग जब मिलते तो इतनी तो बात होती है। फिर एक ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जब आप US में रह रहे हो या फिर दूसरी कंट्री में रह रहे हो, और इंडिया से अपनी फैमिली को जब आप US में बुला रहे हो, तो ये प्रॉब्लम होता है कि जब फैमिली जब शुरू में यहाँ पे आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाएगी। उसका भी रीज़न यही है कि जब वो वहाँ पे होते हैं तो बहुत सारे लोग बात करने वाले होते हैं, और यहाँ पे तो उसके साथ कोई बात करने वाला भी नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम ये रहेगा कि शायद उन लोगों को इंग्लिश में बात करनी नहीं आती है, तो वो किसके साथ बात करे, क्या बात करे, अगर सामने वाला कोई भी बंदा बात कर रहा है तो वो नहीं समझ पाएगी, क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। और फिर उन लोगों को भी घर में मतलब ऐसा रहेगा कि पूरे दिन घर में ही निकालना है या फिर बात करने वाला कोई नहीं है, हाँ जैसे कि उसके अपने लोग हैं वो है अपने काम में बिजी, तो ये सब सारे प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होते हैं। फिर अभी
फिर एक दूसरा प्रॉब्लम है कि जैसे मतलब वो बात है ना कि जो फिल्मों में भी कुछ और दिखता है और जो उसकी रियलिटी भी कुछ और है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हो कि हाँ उसका भी मतलब उसका भी यूएस में बहुत बड़ा घर है, बहुत ही बड़ा कार है, लेकिन उसके पीछे का जो रियल रीज़न है वो लोग नहीं बताते, क्योंकि उसके पीछे भी उन्होंने बहुत ही सारा हार्ड वर्क किया होगा तभी जाके यहाँ पे घर होगा अच्छा सा, तभी जाके बड़ा वाला गाड़ी होगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर आपके पास कोई भी व्हीकल नहीं है तो आप बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसमें भी बता रही कि जब हम शुरू शुरू में यहाँ पे थे तो हमारे पास कुछ कार नहीं था, और यहाँ पे कार होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि इंडिया में आपके पास टू व्हील होना ज़रूरी है, वैसे कि यहाँ पे कार होना बहुत ही ज़रूरी है। उसका भी रीज़न बता रही हूँ, क्योंकि बेबी है, ऑफकोर्स आपको मंथली अपॉइंटमेंट रहेगा डॉक्टर के साथ, और अगर आप अपॉइंटमेंट में अगर 5 मिनट भी लेट हो गए तो यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको दूसरा अपॉइंटमेंट बुक करना है, दूसरा कब मिलेगा उसका भी पता नहीं है, तो ये सारा प्रॉब्लम रहेगा इसलिए। और दूसरा है कि ग्रोसरी या फिर कहीं किसी भी जगह पे सामान लेने के लिए जाना है, अब आप बस से जा सकते हैं, लेकिन बस आपको रोड तक ही छोड़ेगा, लेकिन अंदर का जो रास्ता है वो आपको पैदल काटना पड़ेगा। फिर जब वापस आते हैं तो आपके साथ बहुत सारा सामान है, फिर आपको कहीं अगर रात में किसी भी जगह पर इमरजेंसी में जाना है उसके लिए यहाँ पर आपको कार होना बहुत ही ज़रूरी है। और ना बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आप दो लोग हो तो आपको कार की क्या ज़रूरत है, लेकिन कार की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है हर एक के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कार। तो यहाँ पे हर एक बंदा यूएस में जो भी एक बंदा या दो बंदा है तो दोनों के पास कार होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो कि टाइम, यहाँ पे टाइम का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप 1-2 मिनट भी किसी जगह पे लेट पहुँचते हो तो उसका बहुत ही ख़राब रिज़ल्ट आता है, इसलिए सब लोग यहाँ पे कार का यूज़ कर रहे हैं। हाँ, कार आपके पास होगा पहले सेकंड हैंड होगा, उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम जाएगा उसके बाद नया आएगा, फिर नया घर आएगा, ये सब भी चीज़ें होगी, लेकिन इसके लिए भी टाइम चाहिए। बट शुरू शुरू में चीज़ें नहीं होती है, शुरू शुरू में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को आपको पास करना है, और आपको सबसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होना है कि आप, चाहे आपको लोनलीनेस फील हो, चाहे आपको फैमिली की याद आ रही हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको हर एक चीज़ के लिए एफर्ट डालना है। जैसे कि मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, मुझे भी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, कैसे जाना है, कैसे कार का यूज़ करना है, कैसे बस से जाना है, बस में कैसे कार स्वीप करना है, वो सब कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे मैं सब कुछ सीख गई। अभी मैं अपने आप अकेले शॉपिंग करने चले जाती हूँ, किसी भी चीज़ के लिए मुझे जाना है तो मुझे फिर अपने आप में कर सकती हूँ। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको पहले मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, जो कि वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, और उसके लिए टाइम भी चाहिए। लेकिन अगर यही सब चीज़ों के सामने आप रोते रहोगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझे आज मुझे मेरी फैमिली की बहुत ही याद आ रही है, ये है वो है, तो आप नहीं जी पाओगे यहाँ पे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो, चाहे कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, चाहे पूरे दिन क्यों ना बारिश हो, पूरे दिन क्यों ना स्नोफॉल हो, लेकिन उसी में भी आप जी पाओगे, वैसे स्ट्रांग बन जाओगे, तो आपके लिए आगे जाकर लाइफ बहुत ही आसान रहेगी। तो यही सब सारा प्रॉब्लम होता है। हाँ, कई बार मुझे भी मेरे फ्रेंड्स या मेरे रिलेटिव से वो सब बोलते हैं कि तुमको वहाँ पे अकेला नहीं फील होता है, आप तुमको फिर फैमिली की नहीं याद आती है, तुमको इंडिया की याद नहीं आती है। हाँ, वो सब बातें होती है, लेकिन फिर वही बातों से गुजर के हम यहाँ की जो हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है, फिर वो यादें भी मिट जाती है, सब कुछ मतलब हो जाता है प्रॉपर अच्छे से। तो ये सब बातें हैं यहाँ की रियलिटी, जो मैंने आज आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।